Okay. अप्रैल 2019 से मेरा वॉइस आ रहा है ना सबको? गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। चलो आओ, अप्रैल 2019 से चालू करेंगे, अप्रैल 2019 से चालू करेंगे। आज हमारे साथ जुड़े हैं प्रिशिता, नयन, हर्षित, देवांश, अंजलि, रिनिशा, संस्कृति, ननिका, डॉली एंड तीर्था। आइए, सो अप्रैल 2019 करेंगे, फिर सितंबर 2019 करेंगे, ठीक है? ये दोनों पेपर्स करने के बाद में एक्सरसाइनमेंट का जो बचा हुआ है वो करेंगे एंड देन वी आर डन। आइए, सो डिफाइन इन वर्ड्स 10 डेफर्ड 4 क्यू 27 प्लस 2, ठीक है? हम लोग को इसको वर्ड्स में डिफाइन करना है। वर्ड्स का मतलब क्या हो जाएगा, 29 इयर्स का आदमी है जो 2 साल पहले पॉलिसी लिया था, 10 साल जिएगा और फिर 4 साल के अंदर वो मर जाएगा, ठीक है? सो इसके बाद में दिस वॉज क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, यूडीडी से सॉल्व करने बोल रहा है 2.75 क्यू 84.5, सो दिस इज 1 माइनस 2.75 पी 84.5, ठीक है? सो दिस इज इक्वल टू 1 माइनस 0.5 पी 84.5 इंटू 2 पी 85 इंटू 0.25 पी 87, ठीक है? आराम से देख लीजिए इसको। सो पहले मैंने 0.5, फिर 2 साल और फिर 0.25 इयर्स और ईएलटी 15 मेल से कैलकुलेट करना है। अब जैसे ये वाला जो पार्ट है इसको कैसे सॉल्व करेंगे ध्यान से देखिएगा। P 84 by 0.5 P 84, P 84 by 0.5 P 84, ठीक है? और ये वाला जो पार्ट है, this is 1 minus 0.25 into Q 87, ठीक है? एंड यहां पर इस वाले पार्ट को मैं कैसे लिखूंगा, this is 1 minus Q 84 by 1 minus 0.5 इंटू क्यू 84, ये पूरा चीज को मतलब, ठीक है? बहुत सिंपल था ये वाला क्वेश्चन भी। पार्ट थ्री इज अ थियरी क्वेश्चन, ये रीड कर लीजिएगा, ठीक है? क्वेश्चन नंबर फोर पे आइए। लाइफ इंश्योरेंस कंपनी प्रोवाइड्स द फॉलोइंग बेनिफिट्स, एनविटी ऑन सर्वाइवल टू एज 65, 15,000 पर एनम पेबल मंथली इन एडवांस, स्पाउस एनविटी ऑफ 8,000 पेबल मंथली इन एडवांस ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर प्रोवाइडेड दैट द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव्स टू एज 65, नो बेनिफिट इज पेबल इफ द पॉलिसी होल्डर डाइज बिफोर एज 65, कैलकुलेट द सिंगल प्रीमियम इन रेस्पेक्ट ऑफ अ फीमेल पॉलिसी होल्डर करेंटली एज एग्जैक्टली 50, ठीक है? करेंटली एज एग्जैक्टली 50, who has a male spouse currently aged exactly 53. So basically ये मेरा female का हो गया, ठीक है? And तुम्हारा जो 53 होगा वो होगा male spouse का, ठीक है? PMA PFA 4%। चलो, so अब इसके बाद में फिफ्टीन थाउजेंड
ADU 65-12, ठीक है, माने जब वो 65 का हो जाएगा। और बेसिकली यहां पर ध्यान देना, बोलता है ऑन सर्वाइवल टू एज 65 स्पाउस एनविटी कैलकुलेट द सिंगल प्रीमियम इन रेस्पेक्ट ऑफ अ फीमेल पॉलिसी होल्डर। तो बेसिकली फीमेल जो है वो यहां पर मेन है, ठीक है, एंड ये बेसिकली स्पाउस हो गया, ठीक है। सो ऐसा मत समझना मेल मेन है, तो हमेशा फीमेल मेन है। एंड तो एडीयू 65-12 तो उसको 15 साल जियाना पड़ेगा। सो वी टू द पावर 15 P50 फीमेल का, ठीक है ना। और टेबल बुक जो हम लोग को यूज करने बोला दैट इज PMAPFA, तो ये ठीक है। उसके बाद में स्पाउस एनविटी बेनिफिट, ठीक है, तो स्पाउस का एनविटी बेनिफिट के लिए क्या बोल रहा है ध्यान देना। बोलता है स्पाउस एनविटी ऑफ 8,000 पर एनम पेबल मंथली इन एडवांस ऑन द डेथ ऑफ द पॉलिसी होल्डर प्रोवाइडेड दैट द पॉलिसी होल्डर सर्वाइव्स टू एज 65। मतलब जब फीमेल 65 की होगी तो मेल कितने का हो जाएगा, 68, ठीक है। सो दोनों को जिंदा रहना, तो वी टू दी पर 15 P50 15 P53, ठीक है, इंटू 8,000 ADU 68-12 माइनस ADU 68-12 माइनus ADU 68-65-12, ठीक है। ध्यान दीजिएगा इस पे, V to the power 15 15 P50 15 P53, 8,000 ADU 68-12 minus ADU 68-65-12। Is it clear to all of you? ठीक है, देखो इसको ध्यान से। देख लो इसको ध्यान से, माने पूरा उसका लाइफ माइनस वो टाइम पीरियड जब दोनों जन जिंदा थे, पूरा उसका लाइफ माइनस वो टाइम पीरियड जब दोनों जिंदा है। बिकॉज बोल रहा है ना फीमेल के मरने से मेल को मिलेगा, और उसको मिनिमम 65 तक तो सरवाइव करना ही पड़ेगा फीमेल को। जब फीमेल 65 तक सरवाइव करेगी तो मेल 68 तक सरवाइव करेगा, ठीक है। देख लो इसको आराम से, एनविटी ऑन सर्वाइवल टू एज 65 और 15,000 पर एनम पेबल मंथली इन एडवांस। सो 15,000 मंथली इन एडवांस 65 से मिलेगा अगर वो 15 साल जी जाती है तो। एंड फिर बोल रहे दोनों को 15 साल जीना है, फिर जब मतलब बेसिकली फीमेल मरेगी तब मेल को मिलेगा, तो मेल का पूरा स्टार्टिंग फ्रॉम 68 माइनस वो टाइम पीरियड जब दोनों जन जिंदा थे, ठीक है। कैलकुलेट एज अ परसेंटेज टू 4 डेसिमल प्लेसेस द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कन्वर्टिबल हाफ ईयरली विच इज इक्विवेलेंट टू, क्या बोल रहा है, कैलकुलेट एज अ परसेंटेज टू 4 डेसिमल प्लेसेस द नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कन्वर्टिबल हाफ ईयरली। मतलब अपने को I2 निकालने बोल रहा है, नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम कन्वर्टिबल हाफ ईयरली इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ इतना। मतलब हम लोग को दे दिया है D12/12 इफेक्टिव रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ 0.5% पर मंथ। सो 0.5% पर मंथ, ठीक है। सो बेसिकली अपने क्या इक्वेशन बनाएंगे, 1 minus 0.005 टू दी पावर 12 इज इक्वल टू 1/1 प्लस
आई टू बाई टू का स्क्वायर, तो यहां से हम लोग को आई टू निकल जाएगा। नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ 6% कन्वर्टिबल एवरी 2 ईयर्स, ठीक है, ये भी ठीक है। सो उसके लिए क्या करेंगे, 1/1 I2/2 का स्क्वायर इज 1 माइनस नॉमिनल रेट ऑफ डिस्काउंट ऑफ इतना, तो 0.06/0.5 टू द पावर 0.5। नॉमिनल रेट ऑफ इंटरेस्ट 6% पर एनम कन्वर्टिबल क्वार्टरली, सो अब बनाएंगे 1+I2/2 का स्क्वायर इज 1+I4/4 होल टू द पावर 4, ठीक है, देख लो इसको आराम से यहां तक, इसको आराम से यहां तक देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 6 में आओ, ये जो हमने किया क्वेश्चन नंबर 5 किया है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है, अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इश्यूज अ 20 ईयर टर्म इंश्योरेंस, सो बेसिकली एन जो है हमारा 20 है, विद एडिशनल परमानेंट डिसेबिलिटी बेनिफिट, द बेनिफिट्स प्रोवाइडेड आर ऑन डेथ, वेदर द लाइफ वॉज प्रीवियसली हेल्दी और परमानेंटली डिसेबल्ड, अ लमसम पेमेंट ऑफ 1,50,000 पेबल इमीडिएटली, ठीक है। सो लमसम पेमेंट कितने का है, पाउंड 1,50,000 पेबल इमीडिएटली, ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी अ लमसम ऑफ 75,000 पेबल इमीडिएटली। सो ये बेसिकली मेरा किसका है, डेथ का है, और है पाउंड 75,000 ऑन परमानेंट डिसेबिलिटी। ड्रॉ ट्रांजिशन स्टेट मॉडल फॉर दिस पॉलिसी लेबलिंग योर डायग्राम। सो बेसिकली हम लोग क्या बोल रहे हैं, टर्म इंश्योरेंस विद एडिशनल परमानेंट डिसेबिलिटी, फिर बोल रहे हैं ईपीवी निकाल लें, न्यू दे दिया है बेसिकली हम लोग को, ये मेरा हेल्दी हो गया, हेल्दी से या तो वो परमानेंटली डिसेबल होगा या फिर वो मर जाएगा, राइट, यही दोनों चीज हो सकता है। अपने को यहां से यहां दे दिया है 0.03, फिर अपने को फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी फ्रॉम परमानेंट डिसेबिलिटी, ठीक है, परमानेंट डिसेबिलिटी से डेथ होने का, अभी देखो ऑन डेथ वेदर द लाइफ वॉज प्रीवियसली हेल्दी और परमानेंटली डिसेबल्ड, माने या तो यहां से मरेगा या फिर वो हेल्दी से मरेगा, कहीं से भी मर सकता है, ठीक है। सो फोर्स ऑफ परमानेंट डिसेबिलिटी 0.001 एंड फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी फ्रॉम परमानेंट डिसेबिलिटी, फोर्स ऑफ मोर्टैलिटी फ्रॉम परमानेंट डिसेबिलिटी इज 0.08, ठीक है। फोर्स ऑफ इंटरेस्ट जो है डेल्टा, जो डेल्टा है हम लोग का, डेल्टा इज 0.05, डेल्टा जो है हम लोग का दैट इज 0.05, ठीक है। तो बेसिकली ये सब हम लोग को दे दिया है, अब हम लोग को इसका सॉल्यूशन निकालने बोल रहा है। सो ये हमने बना दिया, डायग्राम भी ऐसा ही बनेगा इसमें, ठीक है। सो ईपीवी इसका जब निकालेंगे, सो इंटीग्रेशन में आएगा टी रन्स फ्रॉम 0 to 20, 1,50,000 म्यू ई टू द पावर माइनस डेल्टा प्लस म्यू प्लस सिग्मा होल इनटू टी डीटी, ये एक हो गया, ठीक है। परमानेंट डिसेबिलिटी का क्या हो जाएगा, टी रन्स फ्रॉम 0 to 20, 75,000 सिग्मा ई टू द पावर माइनस डेल्टा प्लस म्यू प्लस सिग्मा टी डीटी, ठीक है। इसके बाद में डेथ बेनिफिट फ्रॉम द 6 स्टेट, सो बेसिकली टी रन्स फ्रॉम 0 to 20, 1,50,000 ओमेगा टीपीएक्स एचएस ई टू द पावर माइनस डेल्टा टी डीटी, ठीक है। सो बेसिकली इसके बाद क्या करना है ध्यान देना, इसके बाद क्या करना है ध्यान देना, एक चीज हम लोग को इसमें निकालना पड़ेगा, माने
ओमेगा और ये सब क्या हुआ ध्यान दो, यहां से यहां वाला हो गया तुम्हारा, यहां से यहां वाला हो गया तुम्हारा सिग्मा एक्स, यहां से यहां वाला हो गया तुम्हारा म्यू एक्स, और यहां से यहां वाला तुम्हारा हो गया ओमेगा एक्स। तो बेसिकली पहले तुम सिक हो गया परमानेंटली डिसेबल और फिर तुम मरा, तो यहां से यहां मरने का ओमेगा, ठीक है। अब इसमें एक और चीज जो हम लोग को निकालना पड़ेगा वो ये है टीपीएक्स एचएस हम लोग को निकालना पड़ेगा, ठीक है। सो बेसिकली टीपीएक्स एचएस जो है, सो दिस इज बेसिकली जीरो से टी एसपीएक्स एचएच बार इंटू सिग्मा एक्स प्लस एस एसपीएक्स एच एच बार इंटू सिग्मा एक्स प्लस एस इंटू टी माइनस एस पी एक्स प्लस एस 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 बार डी एस। सो बेसिकली इसका मतलब क्या है, पहले आप हेल्दी थे, फिर आप परमानेंटली डिसेबल हुए, और फिर आप टाइम टी तक परमानेंटली डिसेबल रहे। सो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं, ध्यान देना, इंटीग्रेशन जीरो से टी ई टू द पावर माइनस 0.031 एस इंटू 0.001 इंटू ई टू द पावर माइनस 0.08 टी माइनस एस डी एस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हम लोग का आंसर आ जाएगा, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, मैंने कंपीटिंग रिस्क के सारे क्वेश्चन एकदम अच्छे से देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में आओ, सेवन पर आइए, सेवन पर आइए। एन इंडिविजुअल बायज एन एनविटी फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर अ सिंगल लमसम प्रीमियम, द एनविटी विल पे 10,000 एनुअली इन अरियर फॉर 15 ईयर्स। सो 10,000 ए 15, ठीक है। द इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट द प्रीमियम इन अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड विच पेज कूपन्स एट द रेट ऑफ 6%, ठीक है। क्या बोलता है, इंडिविजुअल बायज एन एनविटी फ्रॉम एन इंश्योरेंस कंपनी फॉर अ सिंगल लमसम प्रीमियम, द एनविटी विल पे 10,000 एनुअली इन अरियर फॉर 15 ईयर्स। द इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट द प्रीमियम इन अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड विच पेज कूपन्स एट द रेट ऑफ 6% पर एनम एनुअली इन अरियर्स एंड इज रिडीमेबल एट पार इन एग्जैक्टली 9 ईयर्स। तो क्या बोलता है, ध्यान से सुनना, द इंश्योरेंस कंपनी इन्वेस्ट द प्रीमियम इन अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड विच पेज कूपन्स एट द रेट ऑफ 6% एनुअली इन अरियर्स एंड इज रिडीमेबल एट पार इन एग्जैक्टली 9 ईयर्स। तो इंश्योरेंस कंपनी का ये एसेट हो गया और वो हो गया लाइबिलिटी। ड्यूरेशन ऑफ द एनविटी, ड्यूरेशन ऑफ द बॉन्ड, दोनों का ड्यूरेशन निकालने बोल रहा है। सो इसका हो जाएगा 10,000 आई ए 15 बाय 10,000 ए 15, ठीक है। एंड वहीं पर अगर हम लोग को बॉन्ड का निकालना हुआ, सो इन्वेस्ट द प्रीमियम इन अ फिक्स्ड इंटरेस्ट बॉन्ड विच पेज कूपन्स एट द रेट ऑफ 6%। सो बेसिकली 9 साल का बॉन्ड है, सो 6A9 प्लस 100V^9 ये नीचे आ जाएगा। सो 6IA9 एनुअली बोला है ना, 6IA9 प्लस 9×100V^9, तो ये दोनों देख लो, एनविटी का ड्यूरेशन हो गया एंड तुम्हारा बॉन्ड का हो गया, ठीक है। नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे, नेक्स्ट आइए क्वेश्चन नंबर 8 पे। सो क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। The force of interest delta t is a function of time and at any time t measured in years is given by the formula. So basically delta t मेरे को दे दिया है, 2 पे ब्रेक है, 10 पे ब्रेक है। Accumulated amount at time 9 of an investment of 15,000 made at time 1, ठीक है। So basically इसका क्या बनाएंगे, 15,000 exponential integration 1 से 2 पे लेके जाएंगे, 0.03 प्लस 0.005s होल इनटू डीएस, ठीक है।
फिर उसके बाद में एक्सपोनेंशियल इंटीग्रेशन 2 से 9, 0.045 माइनस 0.0025s होल इंटू ds। अप्रैल है बेटा। कैलकुलेट द प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम जीरो ऑफ अ पेमेंट स्ट्रीम पेड कंटिन्यूअसली फ्रॉम टाइम 10 to 12। ठीक है, रोटी मेरे को दे दिया, ये पहला वाला पार्ट हो गया। फिर जैसे दूसरा वाला में सबसे पहले देखो, सबसे पहले तो तुम लोग निकाल लो वी जीरो टू टेन। तो वी जीरो टू टेन विल बी वॉट, एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन 0 से 2 0.03 प्लस 0.005s होल इंटू ds। ठीक है, फिर आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस, फिर आएगा एक्सपोनेंशियल फिर इसके संग आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन 2 से 10 0.0, हाँ ये एस नहीं होगा, 0.03 प्लस 0.005 t dt होगा ये। वैसे तो क्या ही फर्क पड़ता है st, बट स्टिल ठीक है। फिर आएगा एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन 0.045, ठीक है, माइनस 0.0025 t होल इंटू dt। अब इसके बाद में जो रोटी वाला है उसका क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन 10 to 12 60 e to the power 0.02 t एक्सपोनेंशियल माइनस इंटीग्रेशन टाइम t पे जो पेमेंट हुआ है उसको 10 पे लाएंगे, 0.02 ds होल इंटू dt। ठीक है, ओके क्लियर है एकदम, ये वाला ये रहा ना, तभी तो ये पहले ही निकाल लिया, ये 10 पे आ रहा है, दिस इज बेसिकली प्रेजेंट वैल्यू एट टाइम 10, और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 पे आ जाएगा। 9 तो थियरी है, 10 पे आओ। ये हम लोग ने किया है प्रोस्पेक्टिव और रेट्रोस्पेक्टिव को कैसे इक्वल बनाना है, प्रो और रेट्रो हमने एक और क्वेश्चन में किया है ना, अभी जस्ट एक दो दिन पहले ही किया था। क्वेश्चन नंबर 11, ऑन 1 फरवरी 2017, मतलब 1/2/2017 को क्या हो रहा है, इन्वेस्टर वॉज कंसिडरिंग परचेजिंग ऑर्डिनरी शेयर इन एक्चुरिया PLC, डिविडेंड्स आर पेबल एनुअली एंड अ डिविडेंड ऑफ 0.4 पर शेयर हैज जस्ट बीन पेड। ठीक है, तो 0.4 पर शेयर जस्ट पेड, ठीक है। कैलकुलेट द मैक्सिमम प्राइस द शेयर, कैलकुलेट द मैक्सिमम प्राइस पर शेयर द इन्वेस्टर वुड हैव बीन प्रिपेयर्ड टू पे एट दिस डेट टू गिव द रेट ऑफ रिटर्न ऑफ 9% पर एनम इफेक्टिव अज्यूमिंग द इन्वेस्टर होल्ड्स द शेयर इन परपेचुइटी। ठीक है, अच्छा सॉरी मैं एक लाइन मिस आउट कर गया, एट द रेट ऑफ परचेज डिविडेंड्स वेर एक्सपेक्टेड टू ग्रो ईच ईयर ऑन अ कंपाउंड बेसिस, द रेट ऑफ ग्रोथ वॉज एक्सपेक्टेड टू बी 5% इन द फर्स्ट ईयर, 4% इन द सेकेंड ईयर एंड 3% देर आफ्टर। सो बेसिकली 0.4 का तो उसको मिला नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि इट हैज जस्ट बीन पेड। तो 0.4 × 1.05 v प्लस 0.4 × 1.05 1.04 v² प्लस 0.4 1.05
1.04, 1.03 वी का क्यूब, फिर प्लस 0.4, 1.05, 1.04, 1.03 का स्क्वायर वी टू द पावर 4, बस हो गया। तो बेसिकली पहला दो को आप अलग से कर लो, ठीक है, एंड थर्ड ऑनवर्ड्स फिर आपका इनफाइनाइट जीपी बन जाएगा, ठीक है, ये पहला पार्ट हो गया। और इसको टानेंगे 9% पे। द इन्वेस्टर परचेज्ड अ होल्डिंग ऑफ शेयर्स ऑन 1 February 2017 एट अ प्राइस ऑफ 7 एंड सोल्ड द होल्डिंग एट अ प्राइस ऑफ 7.5, ठीक है। सो बेसिकली अब क्या हो रहा है, ध्यान देना, वो क्या कर रहा है, वो क्या कर रहा है, वो 1/2/17 को खरीद रहा है, कितना पे खरीद रहा है, पाउंड 7, ठीक है, एंड सोल्ड द होल्डिंग एट अ प्राइस ऑफ इतना। सो बेसिकली 1/2/19, ठीक है, सो पाउंड 7.5 इमीडिएटली आफ्टर रिसीविंग द डिविडेंड पेमेंट देन ड्यू। कैलकुलेट द इफेक्टिव एनुअल रियल रेट ऑफ रिटर्न अचीव बाय द इन्वेस्टर बिटवीन इतना एंड इतना यूजिंग द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। इन्फ्लेशन इंडेक्स दे दिया है, डिविडेंड पर शेयर मेरे को दे दिया है, तो वो खरीदा इतना में, तो उसको पहला डिविडेंड यहां मिला होगा, दो ही साल है ना, तो बेसिकली ये जीरो हो गया, ये वन हो गया और ये टू हो गया, तो उसको एक डिविडेंड, एक पहला डिविडेंड यहां पर मिला होगा 0.428 और यहां पर मिला होगा 0.449, यही होगा, रियल रेट निकालने बोल रहे, तो बहुत सिंपल है, तो 7 इज इक्वल टू 0.428 इंटू, सबको 211 वाला इंडेक्स पे लेके आएंगे, सो 211 बाय 215.7 वी प्लस 0.449 प्लस 7.5 होल इंटू 211 221.2 वी स्क्वायर, है ना, इसको सॉल्व कर लेंगे अपना आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 12 पे आइए, बहुत सिंपल था ये वाला, इट इज वेरी सिंपल। अ लोन ऑफ 80,000 वॉज टेकन आउट ऑन 1 January 2016, सो 1/1/16 को क्या हुआ है, लोन कितने का, 80,000 का लोन लिया है, राइट। द लोन वॉज टू बी रीपेड ओवर 10 years इन लेवल इंस्टॉलमेंट पेबल मंथली इन अरियर्स, तो क्या बोलता है, द लोन वॉज टू बी रीपेड ओवर 10 years, तो 10 साल में लोन चुकेगा, ठीक है, और कैसे चुकेगा, मंथली इन एरियर्स, ठीक है। कैलकुलेट द लेवल मंथली इंस्टॉलमेंट यूजिंग एन इफेक्टिव रेट ऑफ 8% पर एनम। सो बोलता है 80,000 का लोन है, 10 साल का है ना, सो 80,000 इज इक्वल टू 12x 8 10 12 मंथली इन अरियर्स फॉर 10 years, और इसको 8% पे इवेल्युएट कर लेंगे तो मेरा मंथली इंस्टॉलमेंट आ जाएगा। अमाउंट ऑफ लोन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 November 2018, ठीक है, तो गिनते हैं अपने, तो 16 पूरा हो गया, 17 पूरा हो गया, राइट, दो साल दस महीना 1 November को निकालने बोल रहे हैं, तो 2 साल 10 महीना के बाद, ठीक है ना, तो 2 साल मतलब कितना हो जाएगा, 24, तो इसमें प्लस 10 करेंगे तो 34 इंस्टॉलमेंट्स के बाद, सो 120 में 34 इंस्टॉलमेंट्स हो गया, तो कितना बचा बताओ, बचेगा 86, ठीक है, 120 में 34 गया तो 86 बचेगा, ठीक है, तो हम लोग निकालेंगे XA 86, 8% का टेबल बुक में जाके I12 का वैल्यू देखेंगे और फिर उसको 12 से डिवाइड करके इसको सॉल्व करेंगे, दैट विल गिव मी द लोन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 November 2018, इमीडिएटली आफ्टर द पेमेंट ऑफ द इंस्टॉलमेंट द बोरोवर आस्क्स दैट द मंथली इंस्टॉलमेंट बी रिड्यूस्ड टू 900 एंड द रिमेनिंग एक्सटेंडेड एंड द रिमेनिंग टर्म एक्सटेंडेड एज रिक्वायर्ड टू क्लियर द आउटस्टैंडिंग लोन अमाउंट द फाइनल पेमेंट वुड बी इक्वल टू द आउटस्टैंडिंग लोन एट द टाइम इफ इट लेस देन 900 द लेंडर अग्री टू दिस चेंज सब्जेक्ट टू द फॉलोइंग कंडीशन इंटरेस्ट रेट अप्लाइड इन फ्यूचर इज इंक्रीज टू 9% पर एनम कन्वर्टेबल मंथली मैंने कितना हो गया 0.0075 एडमिनिस्ट्रेशन फी ऑफ 250 इज एडेड टू द लोन आउटस्टैंडिंग ऑन 1 November 2018 डिटरमाइन द न्यू डेट
ऑन विच द लोन विल बी रिपेड, कैलकुलेट द फाइनल इंस्टॉलमेंट पे. ठीक है, बहुत सिंपल है ये तो. तो मेरा जो लोन आउटस्टैंडिंग आया था देखो ये बहुत सिंपल है और ऐसा नहीं, ऐसा टाइप का हम लोग पहले भी कर चुके हैं. हम लोग का जो लोन आ रहा है दैट इज 63180. सबसे पहले 63180 हम लोग को बोला है 900 कर दो इंस्टॉलमेंट को और एएन कर देते, राइट. और अब एट द रेट कितना हो जाएगा 0.0075. तो हम लोग इसको एल्जेब्रिकली सॉल्व करेंगे. एक मिनट, हम लोग को क्या बोला है, एडमिनिस्ट्रेशन फी ऑफ 250 इज अप्लाइड टू द लोन आउटस्टैंडिंग. ठीक है, सॉरी. तो बेसिकली इन दोनों को एडअप करके 1 - 1.0075 टू द पावर -n/0.0075. ठीक है, इस पूरा को सॉल्व करके यहां से n निकालेंगे अगर हम लोग, तो n मेरा आएगा 100.646. सो 100.646. ठीक है, सो बेसिकली अब हम लोग क्या करेंगे, 900 A100 प्लस रिड्यूस्ड इंस्टॉलमेंट वी टू द पावर 101. दिस शुड बी इक्वल टू 63180 प्लस 250. समझ गया ना, माने 101वां जो इंस्टॉलमेंट होगा वो पूरा नहीं लगेगा, तो वो रिड्यूस्ड इंस्टॉलमेंट वहां से निकाल लेंगे. ठीक है, 101 मंथ्स में लोन पूरा रीपे होगा. 101 मंथ्स का मतलब होता है 8 years 5 months पे लोन पूरा रीपे होगा. ठीक है, फाइनल पेमेंट विल नाउ बी मेड ऑन 1st अप्रैल 2007 टू निकालना पड़ेगा बेसिकली 1st अप्रैल 2027. ठीक है, देख लो उसको आराम से, क्लियर है, बहुत इजी क्वेश्चन था. न्यू डेट बोला है तो पूरा डेट हम लोग को निकालना पड़ेगा. और हम लोग ये जो डेट है ये कैसे कैलकुलेट करेंगे, वी विल ऐड 1st नवंबर 18 में और ऐड करेंगे 8 साल 5 महीना. ठीक है, अब इसका लास्ट क्वेश्चन देखो इस पेपर का. तो बेसिकली क्वेश्चन नंबर 13 पे ध्यान देना, क्या बोलता है, ऑन 1st जनवरी 2022 अ लाइफ इंश्योरेंस कंपनी इशूड द फॉलोइंग पॉलिसीज. ठीक है, आइडेंटिकल 25 ईयर विदाउट प्रॉफिट एंडोमेंट, आइडेंटिकल 25 ईयर. तो मतलब मेरा एन कितना दे दिया है 25 ईयर विदाउट प्रॉफिट एंडाउमेंट इंश्योरेंस. ठीक है, ईच विद अ सम इंश्योर्ड ऑफ 2 lakhs. तो मेरा बेसिक सम इंश्योर्ड कितना हो गया, 2 lakhs हो गया. ठीक है, बेसिक सम इंश्योर्ड मेरा हो गया 2 lakhs. सो पेबल एट द एंड ऑफ द पॉलिसी टर्म और एट द एंड ऑफ द ईयर ऑफ डेथ इफ अर्लियर. प्रीमियम्स आर पेबल एनुअली इन एडवांस थ्रू आउट द टर्म और अंटिल अर्लियर डेथ. द पॉलिसीज वेर इश्यूड टू लाइव्स एजेड 35 एग्जैक्ट. सो एक्स मेरा कितना है 35 आइडेंटिकल. ठीक है, ये तो ठीक है. एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द कंपनीज रिकॉर्ड गिव्स द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर 2018 इन रेस्पेक्ट ऑफ दीज पॉलिसीज. नंबर ऑफ पॉलिसीज इन फोर्स ऑन 1st जनवरी 2018. ठीक है, हम लोग को दे दिया 1st जनवरी 2018. अब गिनो तो एक बार, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 मतलब क्या, 6 साल हो रहा है. 17 मतलब क्या हो जाएगा, 16 साल. ठीक है ना, तो बेसिकली 2 का एंड 3 का एंड 4 का एंड 5 का एंड 6 का एंड 7 का एंड 6 साल 17 का एंड 16 साल. तो आफ्टर 16 ईयर्स बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट द 17th पॉलिसी ईयर का हम लोग को बात करना है. ठीक है, हम लोग को नंबर ऑफ पॉलिसीज इन फोर्स ऑन 1st जनवरी 2018, टोटल एनुअल प्रीमियम फॉर इन फोर्स पॉलिसीज दे दिया है, नंबर ऑफ डेथ्स दे दिया है. ठीक है, तो बेसिकली हम लोग को मोर्टैलिटी प्रॉफिट मोर्टैलिटी लॉस निकालना है. एंडोमेंट इंश्योरेंस के लिए AM92, एनविटी के लिए PMA PFA. एनविटी के लिए क्या बोला है, आइडेंटिकल लेवल होल लाइफ एनविटी, ईच पेबल एनुअली इन एडवांस एट द रेट ऑफ 10,000 इशू टू लाइफ एजेड 65 एग्जैक्ट. ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है ये, मैंने एनुअली इन एडवांस हो रहा है, एकदम बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है. तो दोनों के लिए पहले हम लोग को रिजर्व निकालना पड़ेगा, राइट. तो हम लोग को बेसिकली प्रीमियम दे दिया है. ठीक है, तो आइए 17V एंडाउमेंट इंश्योरेंस हम लोग निकालते हैं सबसे पहले. तो ये मेरा आएगा कितना पॉलिसीज इनफोर्स है, 15,203 बोला है क्या, हाँ 15,203 टोटल रिजर्व निकाल रहे बेसिकली. हर एक के लिए 2 लाख का सम एश्योर्ड है, ए
52.8। अब प्रीमियम लेकिन टोटल दिया हुआ है, प्रीमियम टोटल दिया हुआ है, सो 82,774,000। ठीक है, एड्यू 52.8। मैंने कुछ भी नहीं किया, मैंने 35 में पहला बात तो 17 ऐड किया है। मेरा बात समझना, मेरे को बोला 15,203 पॉलिसीज था, हर एक पॉलिसी का जो सम एश्योर्ड है वो है 2,00,000, सो टोटल सम एश्योर्ड आ जाएगा। और फिर मैंने इंश्योरेंस का फंक्शन लगाया है, और एनविटी मेरे को टोटल प्रीमियम ही दिया है, टोटल प्रीमियम ही दिया है, तो इसलिए यहां पर 15,203 मल्टीप्लाई नहीं हुआ है। ठीक है, यहां से मेरा रिजर्व आ जाएगा, तो रिजर्व बेसिकली मेरा आ रहा है, इट इज 16,605,61,804। ठीक है, इसके बाद में ये वाला हो गया। अब इसके बाद में एनविटी का रिजर्व निकालेंगे, तो एनविटी में तो कुछ भी तो आएगा तो नहीं और, राइट। सो एक सेकेंड, अब जैसे मान लो डीएसएआर निकालेंगे अगर इसी का, सो इसका डीएसएआर क्या आएगा, 2,00,000 इंटू 15,203 माइनस जो टोटल रिजर्व है, विच इज 16,605,61,804। यही तो करते हैं ना, अगर सब लोग मर गए तो क्या होगा, माइनस अगर सब लोग जी गए तो क्या होगा। ठीक है ना, तो ये वाला हो गया। अब उसके बाद में मोर्टेलिटी प्रॉफिट देखो पहले एंडोमेंट इंश्योरेंस का। सो दिस इज जो मेरा डीएसएआर आ रहा है, डीएसएआर यहां से मेरा आएगा, डीएसएआर मेरा आएगा 13,800,038,196। ये मेरा पूरा डीएसएआर आ रहा है। ठीक है, अब मेरा पूरा डीएसएआर आ गया, सो हम लोग क्या करेंगे, 13,800,038,196 इंटू क्यू 51। मैंने समझा, एक्सपेक्टेड डीएसएआर, टोटल डीएसएआर इंटू प्रोबेबिलिटीज एक्सपेक्टेड डीएसएआर। ठीक है, एक्सपेक्टेड डेथ स्ट्रेन माइनस अब हम लोग करेंगे एक्चुअल। सो एक्चुअल में कितना लोग मर गया, 46 आउट ऑफ हाउ मच, 15,203। मैंने 15,203 के लिए उतना डेथ स्ट्रेन था, तो 46 के लिए कितना होगा। ठीक है, सो इंटू 13,800,038,196। ठीक है, 1380 ये जो भी नंबर है, मैंने ये 15,203 के लिए इतना डेथ स्ट्रेन है, तो 46 के लिए कितना होगा। सो ये वाला जो मेरा पार्ट आ गया, दिस इज माय एक्सपेक्टेड डेथ स्ट्रेन, और ये वाला जो मेरा पार्ट आ गया, दिस इज एक्चुअल डेथ स्ट्रेन। बेसिकली नंबर्स नहीं कर रहे बोल के कंफ्यूजन हो रहा है, नहीं तो तुम इसको भी डिवाइड कर सकता था, इसको भी तुम डिवाइड कर सकता था 15,203 से, और तुम इसको भी डिवाइड कर सकता था 15,203 से। हम लोग एक्चुअल में वही करते हैं, पर पॉलिसी निकालेगा तो वही बेसिकली आता है क्या। हाँ, बेसिकली तुम पर पॉलिसी निकाल लो, बात एक ही होगा, एक ही बात है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद में एनविटी पोर्टफोलियो का देखिएगा, अब इसके बाद में एनविटी पोर्टफोलियो देखिएगा। सो कितना पॉलिसीज है, 12,352 इंटू क्या होगा बताइए, 10,000 एडीयू 82। ठीक है, 65 वाले लोगों को दिया एक्चुअली। ठीक है, 10,000 एडीयू 82। अब इसका डीएसएआर निकालो, सो डीएसएआर बेसिकली दिस इज 17V एनविटी, हाँ जीरो को जीरो माइनस वी 17 हो जाएगा, सो दिस इज बेसिकली, और क्योंकि एडवांस में है तो प्लस जीरो, अगर अरियर में होता तो हम लोग ऐड करते ना ईयर एंड का जो अमाउंट रहता है एनविटी का, अगर मान लो अरियर में रहता है तो हम लोग एनविटी केस में क्या करते हैं, ईयर एंड पे जो अमाउंट रहता है वो ऐड करते हैं ना, क्योंकि अगर मान लो वो तुम्हारा यहां मर गया तो ये वाला एनविटी जो है वो तो उसको नहीं देना पड़ेगा, तो एक तो रिजर्व जो था वो नहीं बनाना पड़ेगा, और ये वाला अमाउंट भी तो नहीं देना पड़ेगा। बट अभी इस साल का जो पेमेंट है वो तो यहां पर मिल जा रहा है, तो इसीलिए वो अगर यहां मर रहा है तो और क्या नहीं बनाना पड़ेगा, खाली रिजर्व। ठीक है, और यही अगर एंड ऑफ द ईयर होता तो फिर यहां पर हम लोग V17 में ऐड करते हैं एनुअल अमाउंट जो एंड ऑफ द ईयर पे करना है, 10,000 इंटू दिस, ये पूरा अमाउंट नहीं देना पड़ता ना, क्योंकि हम लोग तो पूरा ग्रुप का निकाल रहे डीएसएआर। ठीक है, सो बेसिकली
इसीलिए मैं यहां पर V17+0 लिख देता हूं तो समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो ये मेरा आ जाएगा डेथ स्ट्रेन एट रिस्क आ गया। तो इसमें तुम्हारा DSAR जो आएगा दिस विल बी -84005952020। ठीक है, अब ये अगर मोर्टेलिटी प्रॉफिट निकालना है तो हम लोग क्या करेंगे बताओ, Q81 into DSAR। तो ये मेरा एक्सपेक्टेड डेथ स्ट्रेन आ गया माइनस एक्चुअल में क्या हुआ है 746 होल डिवाइड बाय 12352 इंटू -84005952020। देख लो इसको आराम से। ठीक है, डिस्कस बोला है तो बेसिकली पहले वाले में मेरा जो आंसर आ रहा था टोटल वो आ रहा था -299 -299080। अब बताओ एंडाउमेंट एश्योरेंस में मोर्टेलिटी प्रॉफिट नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या है? मोर डेथ्स देन एक्सपेक्टेड, ज्यादा डेथ्स हुआ है तभी लॉस आ रहा है। ठीक है, और यहां पर मेरे को आ रहा है 372212। इसका मतलब क्या है? यहां पर प्रॉफिट आ रहा है, इसका मतलब क्या है? मोर डेथ्स देन एक्सपेक्टेड, दोनों केसेस में मोर डेथ्स देन एक्सपेक्टेड है। ठीक है, एंडाउमेंट एश्योरेंस पॉलिसी के लिए क्या बोल सकते हैं? विथ एंडाउमेंट एश्योरेंसेस अर्लियर देन एक्सपेक्टेड डेथ्स, क्या बोल रहा है? विथ एंडाउमेंट एश्योरेंसेस अर्लियर देन एक्सपेक्टेड डेथ्स लीड टू एन अर्लियर पेमेंट ऑफ द बेनिफिट। ठीक है, द बेनिफिट इज पेड एज अ डेथ बेनिफिट रादर देन एज अ मैच्योरिटी बेनिफिट। दिस इंप्लाइज अर्लियर देन एक्सपेक्टेड डेथ्स लीड्स टू मोर्टेलिटी लॉस। द कंपनी एक्सपेक्टेड अप्रोक्सीमेटली इतना डेथ्स, फिर वो लोग नंबर्स में आ जाएगा कि भाई इतना में मेरा इतना डेथ्स था बट एक्चुअल में इतना हुआ है। बेसिकली एक्सपेक्ट वो किया था तुम्हारा 42.7 डेथ्स। देखो एंडाउमेंट एश्योरेंस के केस में क्या था, वो एक्सपेक्ट कितना किया था 42.7 बट हुआ कितना 46। यही तुम्हारा अगर एनविटी का केस का अगर हम लोग बात करेंगे, यही तुम्हारा अगर हम लोग एनविटी का केस का बात करेंगे सो एनविटी में एक्सपेक्ट किया था 740.5 बट हुआ तुम्हारा 746। और इसमें बेसिकली क्या हो रहा है, दोनों प्रोडक्ट आपस में एकदम ऑपोजिट है तो इसीलिए दोनों का कट जाएगा ना रिस्क, समझ रहे बात को? मोर डेथ्स हुआ तो एक में लॉस हो रहा है लेकिन एक में प्रॉफिट हो रहा है, इसीलिए इंश्योरेंस कंपनी क्या ट्राई करता है कि वो दोनों टाइप का प्रोडक्ट्स को सेल करेगा। ठीक है, मेक सेंस? मोर्टेलिटी प्रॉफिट रिलेटिवली स्मॉल कंपेयर टू बुक ऑफ द बिजनेस स्पेशली फॉर एनविटी बिजनेस। ठीक है, चलो सो दिस इज डन। ओके, नाउ 2 मिनट्स ब्रेक एंड देन सेप्टेंबर 19 का पेपर करेंगे। तुम लोग रिवाइज करो सेप्टेंबर 19 का पेपर।